क्या है? कुछ नहीं, शादी है शादी। भगा के लाए हो ना, भगा के लाए हो ना। हाँ मारेंगे एक कंटा, खींच के सही हो जाओगे। अरे भगा के लाए हैं तो क्या हुआ, प्यार किया है कोई, चोरी नहीं की है? अभी 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 हमने देखा तुमने चोरी भी की है। टेबल से पेन उठाया कि नहीं? रख 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 चुपचाप। चोरी क्या करती हो, छुट्टी होगा? नहीं हम तो बस देख रहे थे। देखना हो तो हमको देखो ना। अजी तुमको तो हम देखे 70 जन्म एक टुक, वो भी बिना पलक झपकाए। कौनो बीच में आए तो एका मार दी गोली। इतना प्यार करती हो का? अजी जान से ज्यादा। मार भूसा चिपका दूंगा, दोनों लोग को पुचकी पुचका हो जाएगा। शादी नहीं होने दूंगा। एक बात बताओ, तुमसे कह रहे, तुमसे इधर सुनो, इतनी जल्दी शादी काहे कर रहे हो? अजी पंडित जी कहे हैं शादी कर लोगे सरकारी नौकरी लग जाएगी। अरे महाराज, प्रभु, देवता, सरकारी नौकरी पढ़ाई करने से लगती है कि शादी करने से लगती है? दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे ये वकील पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहा है कब से। हम लोग की शादी कब हुए? हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको, ये टकले ये टकले, शादी करा। बेटा तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम शादी कर रहे हो? नहीं। फोन लगाओ। कहे फोन कहे लगाए, मम्मी को बता के करेंगे क्या? फोन लगाओ बेटा, अभी तुरंत, अर्जेंट, ऑन द स्पॉट लगाओ, जल्दी से लगाओ फोन। लगा फोन। अरे नहीं, लिखो नंबर 1234567890। हमको यार कोई लेना देना नहीं है, करो शादी मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात कह दे रहे हैं, 2 साल में अगर तलाक नहीं हुआ ना, जो कहोगे वो हार जाएंगे। मैं शादी कराता हूँ, मेरे चाचा तलाक कराते हैं। 10,000 शादी कराई और 15,000 तलाक कराई। इसका मतलब चाचा ज्यादा कमाते होंगे। अरे बेटा तुम फंस रहे हो, अभी शादी मत करो। अरेंज मैरिज करोगे, 15 लाख दहेज, 10 लाख गहना, 5 लाख एक्स्ट्रा खर्च, सब मिलेगा। अगर यहाँ से किए तो 10,000 में काम हो जाएगा, और ये भी तुमको ही देना पड़ेगा। अजी हम तो 1 रुपया नहीं देने वाले। हाँ तो हम भी शादी नहीं कराने वाले। कराओगे कैसे? नहीं नहीं कराएंगे, जो करना हो कर लो। कराना पड़ेगा, अब तो कतई नहीं कराऊंगा। हाँ तो क्या बोल रहे थे? अजी जी, मैं कराऊंगा। कौन बोला मैं नहीं कराऊंगा? मैं कराऊंगा, मैं आप ही के लिए यहाँ बैठा हूँ, आपकी सेवा करूंगा। मैं कराऊंगा। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया तो बस आपके लिए। हम, मुझे पता था कि आप एक दिन आएंगे और मैं इसी के लिए यहाँ बैठा हूँ। मुझे 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 बरसों से इस दिन का इंतजार था, बरसों से बहुत दिन से इंतजार था इस दिनों का। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए चलिए कार्यक्रम शुरू करिए। फोटो वोटो लाए हो? अजी नहीं, फोटो तो नहीं लाए। हाँ तो बिना फोटो के शादी नहीं हो पाएगी। अच्छा हाँ हाँ, तो क्या क्या बोल रहे थे आप? फोटो चाहिए ना? मेरी फोटो मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे फोटो पे जरूर हार चढ़ जाएगा। अरे अरे, कौन बोला, फोटो की जरूरत पड़ती नहीं है। वो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, थोड़ा सा सटिया गया मेरा दिमाग। हाँ तो अब इस बात का ध्यान रखना कि दिमाग ना सटियाए, नहीं तो अगर मेरा सटिया ही गया ना, अगली बार दिमाग बचेगा भी नहीं। किस गुंडे से शादी कर रही हो तुम? अभी 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 तू अपना काम कर बस। वही तो कर रहा हूँ। कुछ एविडेंस वगैरह लाए हो? कब शादी करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, एविडेंस कौन रहेगा? ये सब चोचलेबाजी मेरे को नहीं पसंद। मैंने कहा शादी होगी तो मतलब शादी होगी और अभी होगी। अरे महाराज, कोई एविडेंस चाहिए ना, तो कहाँ है एविडेंस? एविडेंस है ना एविडेंस, इस रूम में ही है एविडेंस। अजी यहाँ पर तो हमारे अलावा कोई नहीं है। आप है ना, आप ही बन जाइए एविडेंस। लेकिन महाराज, प्रभु, देवता, मैं तो तुमको जानता भी नहीं, मैं क्यों बने एविडेंस? एविडेंस नहीं बनोगे? नहीं बनूंगा तो ये मुझे उठाकर फेंक देगा, फिर पता नहीं क्या क्या करे। अरे अरे नहीं, मैं बनूंगा। क्यों, कौन बोला? मैं जरूर बनूंगा। हाँ तो जज साहब जल्दी से शादी कराइए। अरे मैं जज नहीं हूँ, मैं मैरिज रजिस्ट्रार्ड हूँ, मैरिज रजिस्ट्रार्ड। अबे हमने तो तेरा प्रमोशन करा दिया, मैरिज रजिस्ट्रार्ड से जज बना दिया, बहाने बाजी बंद कर चुपचाप शादी करा हो गया।
तो दोस्तों मैं तो इन लोगों की शादी नहीं कराने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।